अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है। माइक डाउन कर लो, फेस पे आ रहा है। माइक डाउन कर लो। और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं बने हुए हैं सपा में। सुन लो, सपा ने कार्रवाई नहीं, सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्पित है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, पार्टी में कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। पार्टी के एक्शन ले रही है, पार्टी के एक्शन ले रही है। पद पर बने हुए हैं, पार्टी के पद पर बने हैं। आए सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है, और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, विलंब तो हो ही रही है सर अभी तक, मांग है समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन सर पार्टी की तरफ से क्यों जवाब देने के लिए तैयार, क्योंकि आप उसके साथ नजर आ रहे हैं, आपकी तस्वीर बहुत उसके साथ आ रही है, आपके बड़े खास हैं वो। ऐसा है, उसमें अधिनियम में क्या क्या है और उसका लाने में किसका फायदा है किसका नुकसान है, आज अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी संशोधन के पक्ष में है या जो मौजूदा स्थिति है वही रहेगी? देख लेना, देख लें उसके कंटेंट्स क्या हैं, वो मेन वो है कि नहीं। धारा 370 को हटे, 5-4 साल हो गए, बीजेपी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट भी कर रही है। हाँ, आप लोगों का क्या कहना है, कुछ खुशहाली आई जम्मू कश्मीर में? देखिए ऐसा है, खुशहाली आम लोगों की बात की जाए, और हम तो गए भी थे, दर्शन किए हैं वहाँ, तो आम लोगों को उससे फायदा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे लेकिन जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, आम लोगों को उससे फायदा नहीं मिला। आपको लगता है चुनाव होनी चाहिए जल्द से जल्द? चुनाव 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 कौन जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर में हमारी मांग है बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र रूप से, और चुनाव कराया जाए, तो उससे जो भी सरकार बनेगी जनता की भलाई के लिए काम करेगा। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ, अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्पित है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। हाँ, पार्टी बता रहे, बात बता रहे। हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है, और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। आपसे अगर सवाल किया है तो आप भी उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर उच्च स्तरीय कमेटी ने आपसे सवाल किए तो आप भी उससे जवाब देने के लिए तैयार हैं? उस पर देर से बात कर लीजिए।